हर हर शंकर, जय जय शंकर। आदि शंकराचार्य ने देश भर में भ्रमण करके ऐसे स्थानों की खोज की जो प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण स्थान थे। ऐसे ही प्राचीन महत्वपूर्ण देव स्थलों में शामिल है श्रीनगर का प्राचीनतम शिव मंदिर, जिसे जटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आइए आज करेंगे इस मंदिर के दर्शन। कालांतर में इसे आदि शंकराचार्य मंदिर कहा जाने लगा। वर्तमान में कई लोग इसे तख्त सुलेमान के नाम से भी जानते हैं। श्रीनगर की पहाड़ी पर बसा ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा संधिमान ने कराया था। उस समय यहाँ 300 स्वर्ण रजत प्रतिमाएं थीं। सन 426 से 365 ईसा पूर्व कश्मीर पर गोपदित्य का शासन था। उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इससे पूर्व 700 से 735 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले राजा ललितादित्य ने भी इसके रखरखाव की व्यवस्था की थी। शाह हमदानी जब 17वीं शताब्दी में कश्मीर आए तो उन्होंने कश्मीर को बागे सुलेमान और मंदिर स्थल को तख्ते सुलेमान का नाम दिया। समुद्र की सतह से करीब 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मंदिर की वास्तुकला और यहाँ की दिव्यता देखते ही बनती है। मान्यता है कि जगतगुरु शंकराचार्य अपनी भारत यात्रा के दौरान यहाँ आए थे और उनकी साधना का स्थल आज भी यहाँ मौजूद है। इस मंदिर तक जाने के लिए करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मंदिर से पूरे श्रीनगर की खूबसूरत घाटी का अद्भुत नज़ारा देखने मिलता है। यहाँ की ऊंचाई से मशहूर डल झील की रौनक देखते ही बनती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर शंकराचार्य मंदिर के पास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां आने वाले लोगों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। सुरक्षा के मद्देनजर इस मंदिर में किसी को भी तस्वीरें लेने की इजाजत नहीं है। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है। यहाँ का प्रवेश द्वार सेना के कर्मियों द्वारा संरक्षित है। 5 बजे के बाद मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मंदिर शाम 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ शिवरात्रि बहुत उत्साह से मनाई जाती है। बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें भी जल्द इस मंदिर के दर्शन कराएं। मिलेंगे अगले सोमवार को बाबा के एक और प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए। हर हर महादेव।